नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। माधवगंज ओवर ब्रिज की मीडिया में आई खबर के बाद नगर पालिका ईओ अवधेश यादव ने लिया संज्ञान। जी हां, नगर पालिका की टीम क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा कई सभासदों के साथ पहुंचे माधवगंज रेलवे ओवरब्रिज, ठीक कराई लाए थे। शोपीस बने खंभे से राहगीरों को हो रही थी परेशानी, जहां मशीनों से लाइटों को ठीक कराया गया। ईओ कई सभासद विधायक मौके पर लाइटें अपने सामने ठीक कराते देखे गए, जहां सामने खड़े होकर लाइट ठीक कराई। अब राहगीरों को लाइट की रोशनी में निकलने से नहीं होगी परेशानी, नगर पालिका टीम ने जनता का दर्द समझा। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। जो लाइट लगी हुई है, क्या समस्या है इनकी? ये माधवगंज में ओवरब्रिज जो रेलवे स्टेशन का है, उसपे NHAI के द्वारा 21 लाइटें लगाई गई थी, जिसमें से इस समय लॉकडाउन चल रहा है। हमने जो एजेंसी लगाई हुई थी, उस संपर्क करके दिल्ली की एजेंसी है, उसको नोटिस और उससे फ़ोन करके बात किया, उसने असमर्थता जाहिर की। लॉकडाउन की वजह से सामान नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से अभी हम काम करने में अच्छा हैं। इसके बाद मेरे द्वारा पालिका के यहाँ प्रभारी प्रकाश प्रभारी नानक चंद जी द्वारा इनको कहा गया कि आपने यहाँ लोकल स्तर पर कहीं से व्यवस्था करके जो भी सामान उचित था उसमें 15 लाइटें आज सही हो गई हैं। आगे के लिए हम उस एजेंसी से संपर्क में हैं, जैसे ही वो सामान प्रोवाइड करा देगा ये भी शेष लाइटें भी सही करा दी जाएंगी। आप सभी को फिरोजाबाद भारतीय जननायक पार्टी के जिला अध्यक्ष शादाब अहमद की तरफ से ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को गुड़िया गुलशन खान पार्षद पति की तरफ से ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को फिरोजाबाद पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी की तरफ से ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं।